परिवार को लेकर क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना करने का वादा किया। अब तक माहौल बिगाड़ने वाले पकड़े नहीं गए हैं, लगातार पुलिस उनको पकड़ रही है। बहराइच का जो स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रही है। नहीं, बहराइच की स्थिति आज बिल्कुल सामान्य है, एक भी घटना नहीं घटी है। कोई कह नहीं सकता कि बहराइच की स्थिति सामान्य नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के बाद से लगातार सुधार आया और रात के बाद से शाम के बाद से कोई घटना नहीं घटी है बहराइच में। जिन्होंने गोली चलाई थी वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, पकड़ में नहीं है। अब उनका उचित इलाज होगा, उचित इलाज होगा। जब पकड़ में आएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पीड़ित परिवार तो हमारे साथ है, ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं। घटना वाले दिन लापरवाही थी तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, कहना कि कानून व्यवस्था मजबूत नहीं थी जिसके चलते इस तरह इतना बड़ा हादसा हुआ। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं।